देखिए अभी जो है ब्यूरोक्रेसी को इस तरीके से सिर्फ सिग्नेचर साइन करने के लिए यूज कर रहे हैं। आपने रिक्रूट किया है उनके दिमाग के लिए और आप चाहते हैं कि वो सिर्फ साइन करते रहे या फिर हम जो बोल रहे हैं वो करते रहे। मुझे मतलब जो आपको ऊपर से आदेश आएगा बस वो करते रहो। आज की लड़ाई में सारे के सारे जो हमारे ट्रस्ट हमने देश में विदेश में पाए हैं वो सब आज के आज खत्म करना चाहते, कल के लिए कुछ रहे ना, वो समझ नहीं पा रहे क्योंकि मुझे नहीं लगता ये सरकार के पास थिंकिंग कैपेसिटी है। इलेक्शन जीतने की कैपेसिटी है पर सरकार चलाने के ना नॉलेज है ना कैपेसिटी। वो सिर्फ इसी बात पे नहीं, आप अर्थव्यवस्था देख लीजिए, होम मिनिस्टर है अमित शाह, वो जिम्मेदार है, उनको निकाल देना चाहिए सरकार से। 100% जितने भी हाल देश की हालत है वो इम्प्रूव हो जाएगी सकते हैं तो उनको उस पोजीशन में कंटिन्यू करने का कोई राइट नहीं है, बल्कि रिजिग्नेशन का भी उनका राइट नहीं है। मैं समझता हूं उनको निकाल देना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर से भी यही अपील है, ये होम मिनिस्टर होते हुए जिस तरीके से पूरा देश में, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे दिल्ली में हो, हर जगह जिस तरीके से वायलेंस के या फिर हाथ से निकल रहे चीज़ें इस तरीके का हालत में कर दिया, उनका कोई राइट नहीं है उनको कंटिन्यू करने का और उनको निकाल देना चाहिए तुरंत। मीडिया के रूप में क्या बोलना चाहिए? मीडिया देखिए आज यही दिक्कत है कि एक चीज़ कंटिन्यूसली ये किया जा रहा है प्रोपेगेंडा के तौर पर, जिस तरीके से नफरत बढ़ाया जा सकता है और एक कोई प्रोटेस्ट करता है तो तुरंत उसको लगता है कि वो क्या बोलते हैं कि देश के खिलाफ है। स्टूडेंट्स अगर आज़ादी के नारे लगाएं तो तुरंत उनको टुकड़े, इसमें बहुत बड़े एक योगदान है। जो लोग अटैक करते हैं उनको अंदर से लगता है कि हाँ देश के खिलाफ बोल रहे हैं, वो क्यों उनको लगता है अंदर से, क्योंकि आपने कंटिन्यूसली एक नरेटिव फीड किया उनको कि जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं वो देश के खिलाफ है। जो भी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो मीडिया के भी साथी जो सवाल पूछ रहे हो या स्टूडेंट्स पूछ रहे हो या अर्बन एजुकेटेड लोग पूछ रहे हैं या कोई मुस्लिम पूछ रहे हैं, हिंदू पूछ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं वो देश के खिलाफ है। सरकार और देश एक है, इसलिए सरकार का प्रोटेक्ट करना हम सबका जिम्मेदारी है। इस तरीके से कुछ मीडिया ने समझना लग गया और इसी तौर पर वो कंटिन्यूस इस नरेटिव को बिल्ड करते गया। इसमें क्या हो गया, देश में हमेशा सरकार रहते हैं और विपक्ष के भी रहते हैं। अभी विपक्ष के जितने भी लोग हैं वो सब देश के खिलाफ वाले हो गए भाई, वो इतना टाइम तक वही देश के लिए काम कर रहे थे, आगे भी वही देश के लिए काम करेगा। हमारे बीच में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं 100% समझता हूँ। कंट्रोल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होम मिनिस्टर का था पर इसको इस लेवल तक लेके आने का जिम्मेदारी मीडिया का भी बहुत अच्छा। कल कुछ चैनल पे ऐसा चल रहा था कि उमर खादर ने भी इस तरीके के बयान दिया है कि भीड़ को उकसाया और जिस तरीके से अभी कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा उन लोगों के ऊपर कुछ इस तरीके एक्शन में क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं समझता हूँ कि कपिल मिश्रा वगैरह पे टिप्पणी देने का कोई मतलब ही नहीं है। जो होम मिनिस्टर है अमित शाह वो जिम्मेदार है, उनको निकाल देना चाहिए सरकार से। 100% जितने भी हाल देश की हालत है वो इम्प्रूव हो जाएगी। शांति मास निकालते हैं सर कपिल मिश्रा और यहाँ पर ये कहते हैं कि गोली मारो तीन वाले। मैं वापस वही कहूँगा, चाहे कपिल मिश्रा निकाले चाहे कोई और निकाले, वो तो ऐसा है कि एक नाम है, उसकी जगह पे कोई और आ सकता था या फिर तीसरा हो सकता था। पर अगर दिल्ली पुलिस आज जो रामलीला मैदान में बच्चों को इकट्ठा नहीं होने दे रहे, वही दिल्ली पुलिस अगर इस तरीके का मार्च यहाँ पे अलाउ कर रहा है तो किसकी परमिशन से अलाउ कर रहा है? तो वो परमिशन भी वापस होम मिनिस्टर पर ही जाता है, होम मिनिस्टर की परमिशन से ही हो रहा है। और जो भी आप एक इंसिडेंट आप दिल्ली में पूछ लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी होम मिनिस्टर का है, अगर होम मिनिस्टर नहीं कर सकते उससे तो उनको निकल के चला जाए। दिन भर में सर जिस तरीके से मीडिया में सिर्फ अभी जिस मोदी जी ने सिर्फ जवाब दिया है कि सोशल मीडिया से वो अभी से हटना चाहते हैं, सोशल मीडिया छोड़ना चाहते हैं, उसी को लेकर लगातार सवाल जवाब हो रहा है, लेकिन जो हिंसा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं बात कहीं ना कहीं दबता हुआ नजर आ रहा है, उसमें क्या? देखिए ये हम कई बार वो चाहते हैं कि हम इससे ये सब में बातें करें, मतलब सोशल मीडिया के सवाल पे हो और उस पर बात करें। मैं नहीं समझता कि उस पर बात करने के लायक है, वो सोशल मीडिया छोड़े ना छोड़े, सुबह न्यूज़पेपर पढ़े ना पढ़े, वो सब अपनी मर्जी है, ना करें ना करें, करना है तो करें। सर जो डिटेन महिलाएं की गई हैं अभी जो में उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, उनको पीटा जा रहा है, कैसे देखते हैं? वो खबर मेरे पास नहीं है तो मैं उस पर कैसे मतलब टिप्पणी नहीं दे सकता। दिल्ली दंगे में सर किसे जिम्मेदार? मैं कई बार बताया दिल्ली दंगे में एक ही आदमी जिम्मेदार है, वो अमित शाह। सर अभी विकल्प क्या है पब्लिक डोमेन में, क्या विकल्प क्या है? देखिए विकल्प अभी तो चुने हुए सरकार है, तो विकल्प वो है जो सरकार है जिससे सवाल पूछते रहे एक जनता, विकल्प
वो है कि जनता सरकार से 100% सवाल पूछते रहे, डरे ना, सवाल सरकार को अकाउंटेबल बनाने वाले मीडिया, ये सब है आज के विकल्प। जब अगला चुनाव आ जाएगा तब के विकल्प तब देखी जाएगी, पर अभी जो विकल्प है ये आप हैं, हम हैं, ये बच्चे जो बैठे हैं, ये सब विकल्प है, क्योंकि सरकार को अकाउंटेबल बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज दिल्ली में जो हिंसा हुई, क्या बिहार पश्चिम बंगाल में इसका असर देखने को मिलेगा? उनको लगता है कि इस तरीके का नफरत हर जगह चलेगी, ये नफरत नहीं चलने वाले हैं। किसी और के घरों पे बिजली छोड़ के, मतलब या किसी और के घर पे चोरी हो गया बोल के खुश हो जाओ वाली जो एटीट्यूड है, ये लोग इसको देख रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, और जितना मेहनत कर वो करेंगे इसको नफरत फैलाने में, उतना मेहनत हम भी करेंगे प्यार को बांटने में। सर, जिस तरह से केजरीवाल को एक तरफा वोट मिला लोगों का, वो केजरीवाल अब कहीं यहाँ पे जाँच के आदेश दे रहे हैं, सर उसको किस नजरिए से देखें? वो दिल्ली की सरकार को पूछना चाहिए। लेकिन सर, मोदी जी ने आंदोलन के बीच कल कहा कि मैं सोशल मीडिया छोड़ना चाहता हूँ, क्या वो देखिए वो उनके पर्सनल मैटर है, वो सोशल मीडिया खाना छोड़ दे, वो कल खिचड़ी खाना छोड़ दे, हमें क्या फर्क पड़ता है उससे? लेकिन सर, चुनाव उन्होंने जीते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, पर्सनल डिसीजन है, अब मैं सोशल मीडिया छोड़ दूं क्या फर्क पड़ता है उससे? देखिए मैं कोई, इट्स अ पर्सनल डिसीजन, मनसा तो नहीं है इसके पीछे कि लोग ध्यान उधर चला जाए सोशल मीडिया, हो सकता है वो, तो भड़कना ना भड़कना हो तो आप उसके सवाल क्यों पूछ रहे हो अगर भड़काने हैं तो? पर्सनल डिसीजन है, मैं तो वही कह रहा हूँ कि पर्सनल डिसीजन है, उनको लगता होगा कि ज्यादा उससे उनको अभी नेगेटिव रिव्यूज आ रहा होगा। मोदी सर का सोशल मीडिया का इंटरनेशनल इशू पर, जो दिल्ली में दंगा हुआ ट्रंप के बाद, इंटरनेशनल इशू पर सर इसकी बड़ी धज्जियां उड़ाई जा रही है, इसको किस नजरिए से देखिए? देखिए हमारी एक कैपिटल था, हमारी जो इंडिया के एक वर्ल्ड ओवर एक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव सोसाइटी होने का, और जिस टाइम सारे जनता सारे वर्ल्ड ओवर बोलते थे कि ये देश आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, तब भी एक डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोग्रेसिव तरीके से आज तक 70 साल कंटिन्यू किया, वो एक कैपिटल था, एक सोशल कैपिटल था हमारा पूरा देश, विदेश विदेश में। वो आज हर जगह आप देखेंगे, हमारे मंत्रियां, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी सब जगह जाके यही कह रहे हैं कि प्लीज़ हम NRC से बांग्लादेश में असर नहीं पड़ेगा, मलेशिया सवाल पूछेंगे तो उनका तेल नहीं, पाम ऑयल नहीं लेंगे, अभी इंडोनेशिया भी सवाल उठाया, अभी ईरान भी उठाया, टर्की भी उठाया, इंग्लैंड ने भी उठाया, UN के ह्यूमन राइट्स चीफ तो कंटिन्यूसली बोल रहे हैं, UN सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं, अब किस किस पे? देखिए हमारा एक कैपिटल था, वो कैपिटल हम इंडिया के इंटरेस्ट को फर्दर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकता था, आज जो है हम अपने आप को बचाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास जितना है एक बार उसको इस्तेमाल कर दिया जाए, हमारे इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। ये आज की लड़ाई में सारे के सारे जो हमारे ट्रस्ट हमने देश में विदेश में पाए हैं वो सब आज के आज खत्म करना चाहते, कल के लिए कुछ रहे ना, वो समझ नहीं पा रहे, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये सरकार के पास थिंकिंग कैपेसिटी है, इलेक्शन जीतने की कैपेसिटी है, पर सरकार चलाने के ना नॉलेज है ना कैपेसिटी। वो सिर्फ इसी बात पे नहीं, आप अर्थव्यवस्था देख लीजिए, आप रोजगार की व्यवस्था देख लीजिए, आप फॉरेन पॉलिसी देख लीजिए, आप इंटरनल हार्मनी देख लीजिए, हर एक चीज में गवर्नेंस कैसे होना है इसकी इनकी कोई आइडिया नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। सर एक लास्ट सवाल है, सर के ऊपर से कोई भी आता है, कोई भी इंसान हिंदू खतरे में, ये खतरे में भड़काओ भाषण देता है, उसको अच्छी पोजीशन मिल जाती है बीजेपी में, सिक्योरिटी मिल जाती है, क्या ऐसी राजनीति में बदली सी दिख रही है क्या, कोई भी आए अपना सत्ता जमा ले इस तरह से? नहीं देखिए ये एक बहुत लंबा काम प्रोजेक्ट के रिजल्ट है आज जो नफरत दिख रहा है। बात ये कि हम चाह रहे थे कि वो बाहर ना आए, अंदर ही अंदर रहे। अगर 10 मुसलमानों के बीच एक हिंदू आए या फिर एक 10 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान आए, जो अनकंफर्टेबल फीलिंग था उसको हम चाह रहे थे कि बाहर ही नहीं निकल के आए। कहीं ना कहीं हमें इस बात को इंडिविजुअली भी एज ए सोसाइटी भी कन्फ्रंट करना होगा कि ये अनकंफर्टेबलनेस जो है वहीं से शुरू होता है, जो एक दूसरे के खिलाफ जो सस्पिशन है कि वो हमारा जैसा नहीं है, भाई बिल्कुल तुम्हारा जैसा ही है, वो सब एक बिल्कुल एक ही जैसा है, पर फिर भी एक अंदर ही अंदर एक डिस्कम्फर्ट फील होना, वो कहीं ना कहीं शुरू करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये जो नौजवान जो बच्चे बाहर निकल के इस पर सवाल उठा रहे, जो नफरत के खिलाफ सवाल उठा रहे, इसी से वो चीज़ बाहर निकल के जाएगी, और जो अंदर के जो सस्पिशन है एक दूसरे के ऊपर, जो शक है वो निकल के जाएगी। शक के कारण ये हो रहा है, क्योंकि किसी के ऊपर शक हो तो बोल दो कि भाई वो चाहे अपना सब्जी काटने के भी चाकू हो, बोल दो चाकू रखा है, बोल सकता है। देखिए अभी जो है ब्यूरोक्रेसी को इस तरीके से सिर्फ सिग्नेचर साइन करने के लिए यूज कर रहे हैं, आपने रिक्रूट किया है उनके दिमाग के लिए, और आप चाहते हैं कि वो सिर्फ साइन करते रहे या फिर हम जो बोल रहे हैं वो करते रहे। मुझे मतलब जो आपको ऊपर से आदेश आएगा बस वो करते रहो, तो उससे आपने इतने लोगों को, चाहे पुलिस में हो चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, आपने सेलेक्ट किया है लोगों को उनकी कैपेसिटी
किसी के ऊपर, उसके बाद उनको बोलने का अपना दिमाग अपने तरीके से यूज करने का अगर नहीं दोगे तो इफेक्टिवली आप गवर्नेंस की कैपेसिटी को नीचे कर रहे हो, और इसी बात के लिए एक ने एक आप इस तरीके से बेवकूफी कर रहे हैं। मुरलीधर का ट्रांसफर करना सर कहाँ तक कितना सही है सर? कितना भी सही, मतलब एक कुछ सही तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन हुआ था उसी दिन एक जज जो है इस दंगे को कंट्रोल करना चाह रहा था और खुलेआम बोल दिया था कि हम 84 नहीं होने देंगे यहाँ पे, और उन्हीं को रात को रात ट्रांसफर करके यहाँ पे करना, पर खुलेआम कर रहे हैं। कपिल मिश्रा को न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाने लायक है या नहीं? हाँ जी, न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठ सकता है कि नहीं मुरलीधर का ट्रांसफर? बिल्कुल उठ सकता है, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है इंस्टीट्यूशन जिस पे सवाल से उठा नहीं जा सकता। इमरजेंसी भी इस देश में कोई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से नहीं गया था, उस दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है सरकार के साथ ही दिया था, जनता ने आंदोलन किया इसलिए इमरजेंसी हटाई।